लिए एक खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो कोविड का डर थोड़ा कम है। हाल ही में की गई रिसर्च के मुताबिक शाकाहारी लोगों को कोविड का खतरा 39% तक कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उनमें प्लांट बेस्ड या शाकाहारी भोजन करने वालों की तुलना में कोविड का खतरा ज्यादा रहता है। दुनिया भर में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कारण संक्रमण बढ़ा हुआ है और संक्रमण के मामलों में उछाल भी देखा जा रहा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट 40 से अधिक देशों में फैल भी चुका है। अमेरिका जैसे देशों में एक और संभावित लहर को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में ये रिसर्च शाकाहारी लोगों के लिए राहत भरी खबर। वायरस के मामले वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका जो जोखिम है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक चिंता बनता जा रहा है। तमाम स्टडीज जो हैं वो कोरोना पर की गई हैं, लेकिन अभी एक हाल ही में एक स्टडी हुई है और इस अध्ययन में ये सामने आया है कि डाइट और कोरोना का आपस में संबंध है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साफ तौर पर इस स्टडी में बताया गया है कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं या ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं उनके के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। ये जो स्टडी है ये 700 लोगों पर हुई थी, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों शामिल थे, लेकिन दोनों में ये देखा गया कि जो लोग भी प्लांट डाइट पे हैं या वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को खतरा कम है और 39% जो खतरा है वो कम हो जाता है। यानी जितनी भी सिवियरिटी आ रही थी वो उन लोगों को आ रही थी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। साफ तौर से हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जनरल ये देखा गया है कि जिन लोगों को नॉन वेजिटेरियन की आदत होती है उनका PMI और BMI इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, ओबेसिटी भी होती है और इसके कारण जो है वो वायरसेस जो है वो इजिली कैप्चर कर सकते हैं। और जो लोग नट्स पर होते हैं, मोटे अनाज पर होते हैं, वेजिटेरियन इंडेक्स जो होता है उनका ज्यादा अच्छा होता है तो उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये स्टडी साफ तौर पर बता रही है कि अगर अपने लाइफस्टाइल या आहार में चेंजेस किए जाएं तो जो कोरोना एक चुनौती सबके लिए बना हुआ है उससे निजात मिल सकती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये देखा जा रहा है कि अभी भी एक नई लहर की आशंका है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस रिसर्च में क्या निकलकर सामने आया है। कोविड पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि शाकाहारी भोजन से कोविड का खतरा 39% तक कम हो जाता है। वहीं जो लोग नॉनवेज डाइट लेते हैं उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा होता है। सप्ताह में 3 से ज्यादा बार अगर मांस खाते हैं कोई तो उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है ज्यादा न्यूट्रिशन, ये रिसर्च में निकलकर सामने आया है। वहीं वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में जो शाकाहारी भोजन होता है वो कारगर होता है, ये भी रिसर्च बताती है। प्लांट बेस्ड डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, प्लांट बेस्ड डाइट से इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, मजबूत होता है, रिसर्च में ये भी दावा किया गया।